हेलो दोस्तों, आज हम जनरल आइडेंटिटी की बात करेंगे। जैसे कि हमने एक आइडेंटिटी आपको बताई थी NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर डॉट 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 अप टू, उसको हमने 2NCN लिखा था, वो हमने डिराइव भी करवाया था। वैसे ही मैंने आपको NC1 डॉट NCN यानी मतलब NC0 डॉट NC1 प्लस NC1 डॉट NC2 प्लस NC2 डॉट NC3 डॉट 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 टू, उसका मैंने आपको डेरिवेशन करने के लिए दिया था। और आपने अगर सही से डिराइव किया होगा तो आंसर आपका ये आया होगा, या तो ये या फिर ये, दोनों में से एक वही आंसर सही है। और अब हम जनरल बातें पढ़ेंगे। जैसे कि अब आपको पूछ लिया जाए NC0.NCR प्लस NC1.NCR प्लस 1 प्लस डॉट अप टू NCN-R.NCN इक्वल टू 2NCN-R इक्वल टू 2NCN+R। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद कर लो और डिराइव भी करें, आप खुद से डिराइव भी करो क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। बस सेटअप वही है। अब आपको इसमें क्या करना है, या तो आप N-R ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके दो अलग अलग तरीक़ों से नंबर ऑफ वेज निकालो, या फिर आप N+R को ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके नंबर ऑफ वेज निकालो, कोई भी आंसर सही देगा। अब हम म्यूचुअल इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। उसके पहले मैं एक आपको सवाल पूछना चाहता हूँ, ये वाला कि हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें r डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया कि कौन से कितने अवेलेबल लेंस, इसमें जितने भी लेंस पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे कि इसमें ऐसा नहीं दिया कि कोई से भी एक ग्रुप में 10 एलिमेंट जाएंगे, कोई से भी दूसरे ग्रुप में 5 जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें कुछ भी हो सकता है, 9 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, जितने पॉसिबल हो उतने हो सकते हैं, खाली भी हो सकते हैं, खाली भी हो सकते हैं, एम्प्टी अलाउड पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है, एम्प्टी भी इस क्वेश्चन में एम्प्टी पॉसिबल है। तो अब नंबर ऑफ वेज निकाल लें। तो ध्यान से सुनना, हर एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कोई से भी आर ग्रुप में जा सकता है, यानी कि आर में से कोई भी एक ग्रुप को चुन लो और वो उसको उसमें उस ऑब्जेक्ट को डाल दो। तो एक ऑब्जेक्ट के लिए RC1 नंबर ऑफ वेज हुए, वैसे हर एक ऑब्जेक्ट के लिए RC1 नंबर ऑफ वेज होंगे। तो टोटल आंसर क्या होगा, RC1 × RC1, हर एक ऑब्जेक्ट का मल्टीप्लीकेशन होगा क्योंकि इसमें एंड का सेंस बन रहा है। आपको अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग याद दो तो एंड का सेंस जब बनता है तब मल्टीप्लाई होता है, और जब और का सेंस बनता है तब ऐड होता है। तो ये कितनी बार, एन बार, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स एन टाइम एन ऑब्जेक्ट्स हमारे पास। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, R की पावर n। ऐसे तो सवाल आपने पहले भी किए होंगे क्योंकि ये पहले भी आते हैं थियरी में, लेकिन अब मैं आपको दे दूं इसी सवाल में एम्प्टी सेट या फिर एम्प्टी ग्रुप नॉट अलाउड, यानी कि एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए हर एक ग्रुप में। तो उसके लिए पहली बात कि n ग्रेटर देन इक्वल टू r होना ही चाहिए, कि n r से छोटे हो गए तब तो फिर कोई ना कोई ग्रुप्स तो खाली रहने वाला है। इसलिए जब n ग्रेटर देन इक्वल टू r हो और एम्प्टी ग्रुप अलाउड ना हो, तब अगर नंबर ऑफ वेज की बात करेंगे तो वो क्या होगा। अब ये म्यूचुअल इंक्लूशन एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है, देखो ध्यान से। अब इसका डेरिवेशन बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी समझ में भी नहीं आता है लोगों को। तो फिर देखो, पहले मान लेते हैं कि एम्प्टी सेट होगा, तब नंबर ऑफ वेज कितने आते हैं, R की पावर n। लेकिन अब एम्प्टी सेट अलाउड नहीं है तो हम ऐसे केस सब्सट्रैक्ट करेंगे जिसमें एक खाली ग्रुप होगा, कोई सा भी एक खाली ग्रुप होगा। तो वो कोई सा भी एक खाली ग्रुप को चुन लो RC1, और बचे कितने ग्रुप्स, R-1, और बाकी ऑब्जेक्ट्स भी n है तो उनके लिए R-1 की पावर n होगा। क्यों, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए बाकी सारे R-1 ग्रुप्स में जा सकता है, वो आखिरी जो हमने सिलेक्ट किया उसमें नहीं जा सकता क्योंकि वो एम्प्टी है। लेकिन अब इसमें ऐसे भी तो केस हो सकते हैं कि कोई दूसरा ये जो हमने सिलेक्ट किया उसके सिवाय कोई एम्प्टी रह जाए, तो वो भी हमने वो
दो अलग सब्सट्रैक्ट, दो बार सब्सट्रैक्ट कर दिए तो हमें वो एक बार ऐड करना होगा, तो उसमें आर माइनस टू की पावर एन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दो ग्रुप्स खाली है तो उसके सिवाय के ग्रुप्स में ही ऑब्जेक्ट्स जा सकते हैं, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए आर माइनस टू पॉसिबिलिटी हुई। अब इसमें देखना, इसमें ऐसे ग्रुप हमने दूसरी बार ऐड कर दी है जिसमें तीन ग्रुप्स खाली हो, तो माइनस आर सी थ्री इंटू आर माइनस थ्री की पावर एन। अगर ये आपको समझ में ना भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका सिर्फ फॉर्मूला ही इम्पोर्टेंट है, इसका डेरिवेशन इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप समझ लो तो अच्छी बात है, क्योंकि डीएनमेंट का भी दो तीन डेरिवेशन होते हैं, उसमें से एक डेरिवेशन इसी अल्गोरिदम या इसी अप्रोच से होता है। तो अब इस बार क्या आएगा, इसमें चार खाली ग्रुप वाले हमने एक बार गलती से एक बार ऐड कर दिए, तो उसे और एक बार सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, आर सी फोर आर माइनस फोर की पावर एन माइनस, ऐसे चलता जाएगा जब तक इधर ज़ीरो ना आ जाए, ठीक है। तो फिर ये हुई हमारी फॉर्मूला इसके लिए, तो अब कुछ सवाल करते हैं। देखो, अगर हमारे पास सवाल है कि हमारे पास तीन ग्रुप्स है डिस्टिंक्ट, तीन डिस्टिंक्ट ग्रुप्स है और पांच डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और ये पांचों डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को तीन डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में अरेंज करना है इस तरह कि कोई भी ग्रुप खाली ना हो, तो इसके नंबर ऑफ वेस्ट जब आप निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या कहती है, देखो r की पावर n, अब इसमें पहले r और n क्या होगा वो पहचानो, r नंबर ऑफ ग्रुप्स है वो तीन ग्रुप्स हमें दिए यानी कि r की वैल्यू 3 और नंबर ऑफ आइटम ऑब्जेक्ट्स जो है वो 5 है यानी कि n की वैल्यू 5। अब बस फॉर्मूला लगा दो, देखो सबसे पहले तो r की पावर n यानी कि 3 की पावर 5 माइनस 3c1.3-1 की पावर 5 प्लस 3c2.3-2 की पावर 5 माइनस 3c3.3-3 की पावर 5। अब रुक जाओ, क्योंकि ये ज़ीरो आ गया तो ज़ीरो के बाद अब हमें आगे नहीं बढ़ना है, तो यहाँ पे रुक जाना है हमें। वैसे भी आगे बढ़ेंगे तो ज़ीरो ही आएगा क्योंकि 3c4 हो जाएगा और 3c4 यानी कि हमें तीन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से चार को सिलेक्ट करना है, वैसा पॉसिबल है नहीं, यानी कि ज़ीरो वेस्ट और वही आंसर होगा यानी कि वो ज़ीरो आ जाएंगे, तो लेकिन यहाँ तक ही करें तो टेक्निकली ज़्यादा सही है। तो अब वैल्यू निकालो, ये 243 माइनस 3 इंटू 32 96 प्लस 3 यानी कि ये क्या आएगा 150 वेस्ट। और शायद हमने ऐसा सवाल पहले भी किया है, याद करो हमने दूसरी तकनीक से किया था, उसमें हमने तीन ग्रुप को ए बी सी मान लिए थे, दो केसेस निकाले थे, एक तो 1 2 2 या फिर दूसरा 1 1 3, ये हमने किया था, उसमें भी आंसर यही आया था। वो याद करो, ये इलस्ट्रेशन मैंने करवाया था डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त, तब भी नंबर ऑफ वेज उतने ही आए थे, यानी कि ये बात एकदम सही कर रहे हैं जो हम अभी कर रहे हैं। तो अब हम अगले लेक्चर में कुछ ज़्यादा अच्छे इलस्ट्रेशन ले, इस पे वैरायटी लेकर आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।